Welcome you all to Life 3 Gurukul, an initiative by Life 3 Engineers Farms. So today we'll discuss about four things. सबसे पहला कि आपका सेफ स्कोर क्या होगा, मतलब लोगों को कितना टारगेट करना चाहिए. ऐसा में बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर कितना स्कोर करेंगे कि सेफ रहेंगे. दूसरा, एग्जाम डेट क्या होगा आपका, मोस्ट प्रोबेबल एग्जाम डेट. तीसरा, एक गुड न्यूज़ आ रहा है कि सीजन में कुछ और सीट्स ऐड होने वाले हैं. चौथा, जैसा कि हम स्टूडेंट से बात करें तो देख रहे हैं वो गलतियां बार बार रिपीट कर रहे हैं, जैसा हम उन्हें समझाते आ रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी वो वही गलती किए जा रहे हैं. तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. आपको वार्निंग देना चाहते हैं हम इस वीडियो के थ्रू, आगे के स्लाइड्स में देखिएगा. सो वी रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इस वीडियो को पूरा देखें. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला देखते हैं कि सेफ स्कोर जो होता है, सेफ स्कोर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है कट ऑफ के. तो कट ऑफ जैसा होगा उसी अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं हम. सो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कंपटीशन, करप्शन, गाइडेंस, क्वेश्चंस एंड नेगेटिव मार्किंग. तो कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो कट ऑफ ऑब्वियस बात है कि वो भी ज़्यादा हो जाता है. तो इस बार कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 60-40 है, पूरे इंडिया के लोग इसमें फाइट कर रहे हैं. दूसरा, झारखंड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट पूरे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. तो कंपटीशन तो इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है, आप तैयार रहिए. 10 लाख स्टूडेंट से आपका फाइट होने वाला है, इस एग्जाम में लड़ने वाले हैं. करप्शन जैसे होता है किसी एग्जाम में, अगर पेपर लीक हो गया या फिर कुछ मतलब कुछ करप्शन हुआ तो ऑब्वियस बात है कट ऑफ हाई चला जाता है, ऐसा देखा गया है. तो यहाँ ये झारखंड में एग्जाम हो रहा है 8 सालों के बाद, और ये वन डे मैच है ये. दूसरा, CBT मोड में नहीं है, ऑफलाइन है. तो देर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि करप्शन होने के चांसेस हैं, तो ये कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है इसमें. गाइडेंस पर डिपेंड करता है, जब किसी एग्जाम के मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी गाइडेंस आ जाती है तो उसके कट ऑफ ज़्यादा चले जाते हैं. आप देखिए SSC में कैसे कट ऑफ बूम हुआ, क्योंकि आजकल गाइडेंस बहुत ज़्यादा आ गई है SSC की. तो सेम JSSC CGL में भी बहुत क्वालिटी गाइडेंस इस बार आ चुकी है. 2015 का जो CGL था और ये 2023 का जो CGL है, इसमें बहुत डिफरेंस है, इसमें हाई मतलब क्वालिटी गाइडेंस मार्केट में अवेलेबल है. तो ये भी कट ऑफ को बढ़ा सकती है. क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कट ऑफ. अगर टफ क्वेश्चंस आ गए तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, अगर इजी क्वेश्चंस आ गए तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा. नेगेटिव मार्किंग पे भी डिपेंड करती है कट ऑफ. नेगेटिव मार्किंग मोस्टली कट ऑफ को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करती है. सो आइए आगे देखते हैं. अब कट ऑफ को कौन बढ़ाता और कौन घटाता है, विच फैक्टर्स इंक्रीजेस कट ऑफ एंड विच फैक्टर डिक्रीजेस कट ऑफ. तो करप्शन बढ़ाता है कट ऑफ को, कॉम्पिटिशन बढ़ाता है, गाइडेंस भी बढ़ाता है अगर गुड गाइडेंस हो तो गुड गाइडेंस तो है इस बार. डिक्रीजेस टफ क्वेश्चंस, अगर सीजन में इस बार टफ क्वेश्चंस आ गए तो कट ऑफ नीचे चला जाएगा, तो आपका सेफ स्कोर भी नीचे आ जाएगा. नेगेटिव मार्किंग कट ऑफ को नीचे ही लाती है. ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये जनरली ये बैलेंस करती है, इन सब चीज़ों को बैलेंस करती है ये नेगेटिव मार्किंग. कंडीशन ये फैक्टर हो गए कि मतलब जैसे कि एग्जाम सस्पेंस बना, जैसे कि झारखंड में मोस्टली जो होते हैं 90% एग्जाम्स होते हैं वो अंडर सस्पेंस होते हैं, कि मतलब एग्जाम होगा कि नहीं होगा ये मतलब आखिरी के 10 दिन में पता चलता है. तो उस फैक्टर में क्या होता है कि उस केस में कि कट ऑफ नीचे चला, लोग मतलब सीरियस नहीं होते हैं ना, मतलब लगते हैं कि टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और अचानक से एग्जाम हो जाता है तो सरप्राइज मिल जाता है लोगों को. तो अगर वैसा इस बार भी हुआ कि कोर्ट केस हो गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आई CGL के एग्जाम में, आपको दुविधा है, 90% लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, और अचानक से एग्जाम्स हो गए, तो वो भी कट ऑफ को नीचे करती है. सो अब हम अपने एनालिसिस से पहुँचते हैं. सो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए आप सेफ स्कोर क्या होगा आपका, तो जो मेरिट बनेगी वो पेपर 2 और पेपर 3 को जोड़ के बनेगी, मतलब कि 100 questions प्लस 150 questions, दैट इज इक्वल टू 250 questions, यानी कि आपके मतलब 750 marks. तो जो आपकी कट ऑफ आएगी वो 750 मार्क्स को ही मतलब इसी के अकॉर्डिंग मतलब आपकी डिसाइड होगी. सो कंसिडरिंग ऑल कट ऑफ फैक्टर्स, आवर प्रिडिक्शन इज बिकॉज देर इज नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा मतलब एक एसेट होता है मतलब कट ऑफ को नीचे करने में. आपने देखा होगा इस बार BPSC में 60 जो लास्ट BPSC हुई उसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई, तो कट ऑफ कैसे नीचे गया. सो वी थिंक कि अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कट ऑफ आपका 75% से 80% नहीं एक्सीड कर सकता है. तो आप टू बी अपर लिमिट 80% को टारगेट करिए, कि मतलब आपको 750 के मतलब 80% लाना ही है, दैट इज 600 मार्क्स. आप 600 मार्क्स को टारगेट करिए, और ये इजिली पॉसिबल है. आप कैसे भी मर के कोशिश करिए कि आपको 600 नंबर मतलब लाने ही लाने हैं, और ये बहुत हद तक पॉसिबल है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जैसे कि आप मार्केट में गाइडेंस बहुत अच्छे अच्छे अवेलेबल हैं, तो आप 80% या आराम से स्कोर कर सकते हैं. पेपर 3 हो गया, पेपर 3 में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे 10th लेवल के आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के 10th लेवल के होंगे. कंप्यूटर भी बहुत आसान पूछेगा, GK जो होता है वो ऑनलाइन फैक्चुअल पूछेगा, तो वो भी आप कर सकते हैं. मतलब 80% इज अचीवेबल, आप ला सकते हैं इसको. तो इसी को टारगेट करिए, ठीक है, ये अपर लिमिट है आपका, इससे नीचे भी जा सकता है लेकिन इससे ऊपर आई डोंट थिंक सो.
अब प्रोबेबल एग्जाम डेट की बात करते हैं कि सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर। तो सितंबर में नाउ जैसा कंडीशन है कि एग्जाम्स आप देख रहे हैं जैसे फॉर्म भरा रहा है तो इतने सारे उसमें एरर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग में, पहले फॉर्म मतलब सबमिशन में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, तो फॉर्म का डेट एक बार और खुलेगा, जो अभी जो डेट है उससे 10 दिन और मिलेगा, मतलब कि पूरा जुलाई आपका फॉर्म भराएगा, होल जुलाई। तो वी डोंट थिंक कि, और फॉर्म बहुत ज़्यादा गिरेंगे 10 लाख एटलीस्ट, तो इसके स्क्रूटनी भी करनी होती है ना फॉर्म की, कि किसने मतलब किसका फीस पेमेंट नहीं हुआ है, किसके फोटो गलत है, किसकी साइन गलत है, किसने क्या गलत भर दिया है। तो वी डोंट थिंक कि सितंबर में एग्ज़ाम होने वाले, 0% चांसेस है सितंबर में एग्ज़ाम होने के, ठीक है। अक्टूबर में एग्ज़ाम होने के अकॉर्डिंग टू अस 80% चांसेस है, और नवंबर में 20%। तो अक्टूबर इज़ द विनर ईयर। सो अब मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा, ठीक है, अक्टूबर को मान के तैयारी करिए कि अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि सितंबर में देर इज़ नो प्रोबेबिलिटी, नवंबर देर, क्योंकि बहुत सारे उस टाइम पर्व त्यौहार हैं, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम ले ही लेंगे ये लोग, क्योंकि ये सीरियस है ना, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि जल्दी से एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। और इस बार अच्छी बात यह है कि CGL के जो एग्ज़ाम है इसमें कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, समझे, क्योंकि ये लीगली मतलब ये नोटिफिकेशन बहुत सही है, कोई भी पॉइंट इसका डिस्प्यूटेड नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में। वी डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है सरकार को। अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले, ठीक है, ये है अक्टूबर, इसी को मान के तैयारी करी, हम इसी को मान के मतलब सब कुछ देख रहे हैं। अब BPRO के सीट्स एडिशन, जैसे कि पता था कि कल कैबिनेट की बैठक थी, तो ये जो पॉइंट थी ये हमने देखा कि झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियुक्ति सेवा शर्त और एवं कर्तव्य नियमावली 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। दैट मीन्स कि BPRO, ये BPRO के लिए ग्रीन सिग्नल है, ठीक है, ये BPRO के पोस्ट जो आने वाले हैं उसके लिए ग्रीन सिग्नल है ये। तो नंबर ऑफ सीट्स जो एडेड होने वाले हैं कि वी थिंक कि अराउंड 150 के आसपास आने चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम 138 थे ना, तो दिस टाइम या तो 138 या तो 150 के आसपास आएंगे, जो भी है, लेकिन ये आने के 100% चांसेस है। ओके, ये सीट्स ऐड होंगे और आपके फॉर्म फिर से खोलेंगे, आपको फिर से भरने का मौका मिलेगा जिसने भी फॉर्म सबमिट कर दिया है। तो ये BPRO सीट्स की बात हो गई। अब देखते हैं विच स्टूडेंट्स विल फेल इन जैसे CGL, क्योंकि हमने ये स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बताया था कि आपको इस कैटेगरी में नहीं आना है, लेकिन अभी भी लोग इसी को मतलब इसी दुविधा में फंसे हुए हैं, कौन सी किताब पढ़ें। इतना समझाने के बाद भी सारे कोचिंग वाले आपको बता देंगे एक किताब पढ़ो, फिर भी कौन सी किताब पढ़ें, अभी तक आप बुक लिस्ट सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं। दिस इज़ वेरी शेमफुल कि अभी तक आप बुक लिस्ट सेलेक्ट नहीं कर पाए। हमने आपको सब कुछ बता दिया, इनफैक्ट सारे कोचिंग वालों ने बता दिया कि बुक लिस्ट ये है, फिर भी आप फ़ोन करके मैसेज करके कौन से किताब पर ये सही होगा कि वो, आपको किताब का क्या करना, आपको रिव्यू देना है क्या? आप रिव्यूअर नहीं हो ना, यूट्यूबर नहीं हो ना कि बुक का रिव्यू दे रहे हो कि उड़ान अच्छा है, कि ब्रह्मास्त्र अच्छा है, कि मैं हूँ झारखंड अच्छा है। आप रिव्यू करने बैठे हो क्या एग्जाम को? कोई भी एक को पकड़ो और पढ़ जाओ यार, सब में एक ही चीज़ है ना, उड़ान में भी वही चीज़ है, ब्रह्मास्त्र में वही चीज़ है, मैं हूँ झारखंड में वही चीज़ है, मनीष रंजन सर की किताब में वही चीज़ है। तो क्यों इतना कन्फ्यूज हो कौन सी बुक पर है? आप रिव्यू कर रहे हो कि इसमें ये गलत है, उसमें वो गलत है, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है। दिस इज़ वेरी शेमफुल। वी डोंट थिंक कि आपको एक अभी कन्फ्यूज रहना चाहिए। बुक लिस्ट तो हमने बता दिया ना, उसको आँख बंद करके फॉलो करिए, फिर जो भी कोई बता रहा है उसी को फॉलो करिए, ठीक है, या फिर अपना खुद से रिसर्च करिए और जल्दी से फॉलो करिए, स्टार्ट करिए। विच टीचर, अभी भी आप कन्फ्यूज हैं, ये कहाँ से पढ़े, वो कहाँ से पढ़े, कहाँ जाएं, ये जाएं, ये सब फेल होने के मतलब कंडीशंस है, ठीक है। विच कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें, अभी भी आप इसी में कन्फ्यूज हैं, ये भी बहुत गलत है। विच पोस्ट, अभी तक लोग पोस्ट सिलेक्शन नहीं कर पाए हैं, अभी फॉर्म भरा रहा है तो मैं फ़ोन कॉल सारे, सर ये पोस्ट सही होगा कि वो पोस्ट सही होगा, अरे यार हमने वीडियो डाल दिया है ना, वीडियो देखो, और इनफैक्ट सारे कोचिंग वालों ने वीडियो बना दिया ना पोस्ट प्रेफरेंस का, अभी भी आप कन्फ्यूज हो, ये दिस इज नॉट अ गुड साइन ऑफ मतलब सक्सेसफुल कैंडिडेट, ये सारे फेलियर स्टूडेंट्स के साइन है, ठीक है। विच लैंग्वेज, अभी तक लैंग्वेज पेपर में भी लोग कन्फ्यूज हैं, खोरथा लें कि इंग्लिश लें, कि हिंदी लें, कि नागपुरी लें, क्या लें। सो ये प्लीज़, ये सब चीज़ों को मतलब आप जल्दी से इसको दूर करिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये बैड लक, अगर जो भी मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स को अपने हेल्थ के कारण, मतलब आप एग्जाम में ये 3 महीना है आपके पास, 3 मंथ्स, ठीक है, आप इन 3 महीनों में यू कांट अफर्ड कि आप बीमार पड़ जाए, आप डॉक्टर का चक्कर लग जाए, आपको नहीं, आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, ये पूरा मतलब दिमाग का गेम है, आपको मतलब अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा अगले 3 महीनों तक। यू कांट एफर्ट टू फेल बिकॉज ऑफ बैड हेल्थ, ओके, अच्छा खाइए, एक्सरसाइज करिए, अपने दिमाग पे काम करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, अच्छा मतलब फल फूल खाइए, इधर उधर के रोड साइड स्ट्रीट फूड्स नहीं खाना है अभी 3 महीने तक, ठीक है, जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है। फियरफुल स्टूडेंट्स, जो डरे हुए हैं, डरपोक है, हमें ऐसा ऐसा फोन आ रहा है कि सर इतना कंपटीशन है, 10 लाख बच्चे आ रहे हैं, सर कैसे होगा, ये सब डरपोकों के लक्षण है ना, इन सब से हटिए,
ये युद्ध है ना, आपको लड़ना है तो लड़ना है, इतना क्या डरना। बहुत से बहुत क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे तो दूसरा एग्जाम देंगे, इतना क्या डरना यार। बड़ा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है सर, कैसे होगा। अरे सिलेबस है तो सबके लिए वही है ना, सबके लिए सिलेबस सेम है, सब पढ़ रहे हैं तो आप भी पढ़िए। 60-40 है, पूरे इंडिया के लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं तो आने दो, अभी पढ़ो, वो भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। कठिन प्रश्न आएंगे, बहुत टफ क्वेश्चन आने वाले, किसने कहा वो टफ क्वेश्चन आएंगे। हाँ, वी डोंट थिंक कि टफ क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन बहुत ईजी आएंगे एकदम, देखना सिंपल आएंगे। बस ये फैक्चुअल आप जितना होता है ना, फैक्ट्स फैक्ट्स पे ध्यान दीजिए, पूरा एग्जाम लगे, मतलब पूरा रट्टा मारी जितना भी मार सकते हैं, ठीक है। तो वी होप कि हमने आपके चारों डाउट क्लियर कर दिए होंगे। ओके, नाउ ये 73 डेज का जो प्लानर है, ये हमने प्रॉमिस किया था कि आपको हम 1 जुलाई तक दे देंगे, तो वी हैव कंप्लीटेड दिस, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया, ये फाइनल फेज ऑफ मतलब उसमें चल रहा है, स्क्रूटिनी में हम लोग चेक कर रहे हैं एक एक चीज़, क्योंकि आसान नहीं था ये हमारे लिए, हमें 7 डेज से ज़्यादा लग गए इसको बनाने में, पिछले पूरे 7 दिनों से बस यही कर रहे हैं, इस प्लानर पर ही अपना दिमाग लगा रहे हैं। सो वी होप कि आपको पसंद आएगा, ये जल्दी आपको हम दे देंगे, और जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट करिए अपनी, एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग।